खान अभी रामनगर में हमारे साथ मंत्री राम किलावन पटेल जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो रामनगर आए थे, उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो मंदिर है इसके लिए क्या योजना बनाई गई है, क्या देख पाएंगे? यहाँ के नेताओं की, यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों की, सभी जनप्रतिनिधियों की इच्छा थी ये गिद्धपुर पर्वत को पर्यटन के में जोड़ा जाए, इसको विकसित किया जाए। मैंने घोषणा की है 14 जून को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि गिद्धपुर पर्वत को पर्यटन से जोड़कर इसको विकसित करने का काम होगा और यहाँ नया हार सिकंडी भवन बनाने की मांग हुई है, हाट बाज़ार बनाने की मांग हुई है, 50x90 जो विस्थापित थे उनको प्लाट मिले तो उनका पट्टा देने की बात हुई है, लगभग 600 है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के मांगों को पूरा कराने का काम करेंगे। जैसे विस्थापित क्षेत्र पूरा रामनगर माना जाता है, तो अभी इस समय जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, उन्हें अभी टैक्स दिया जा रहा है, जबकि विस्थापित क्षेत्र में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं, उनकी निकाल नहीं, नहीं, अगर उनसे टैक्स लिया जाता है तो हम राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहेंगे कि उनसे टैक्स न लिया जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा किसी का, सबके पक्के मकान बनेंगे। एक चीज़ और कि यहाँ रामनगर में बाढ़ सागर है, लेकिन उसके बाद भी रामनगर क्षेत्र जो है पानी की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था होता है? मैं पिछली बार जब विधायक था तो रामनगर को पानी देने का काम किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1495 करोड़ की जल निगम द्वारा 1495 करोड़ की 5 ब्लॉकों के पानी भेजने का ठेका हो गया है, एलएनटी वाला काम कर रहा है और जून तक तो पूरे रामनगर ब्लॉक में घर घर नल से पानी टोटी खोलें और पानी मिल जाए, यह काम पूरा हो जाएगा। आने वाले समय में पूरे जिले को पानी पहुंचेगा और 2024 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है पूरे देश में पानी पहुंचाने का काम होगा। एक सवाल और, जिसे एलएनटी द्वारा काम किया जा रहा है उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, आम जनमानस उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए क्या व्यवस्था बना पाए? हमारे पास जो शिकायत आती है उस शिकायत को निश्चित रूप से हम दूर करने का काम करते हैं और जो हमारे पास शिकायतें आएंगी एलएनटी वाले के जो यहाँ मैनेजर होंगे उनसे मिलकर कहेंगे जनता जनार्दन की शिकायतों को दूर करें। तो ये थे मंत्री राम किलावन पटेल जी जो रामनगर में थे और गिरिराज जो पर्वत है उसको पर्यटक स्थल बनाने की योजना बना दी गई है। तनवीर खान, रामनगर, मध्य प्रदेश।